हेलो, गुड इवनिंग। और अभी हम ढुसका बनाने का तैयारी करने जा रहे हैं, और अरवा चावल को हम भिंगा देंगे आज, ताकि कल सुबह तक हो जाएगा। कल संडे स्पेशल बनेगा, झारखंड का स्पेशल ढुसका, है ना? तो अभी मैं दिखाऊंगी कि कैसे। और अभी हम चावल दे लेते हैं 3 कटोरी। उसके बाद उड़द का दाल देंगे आधा कटोरी, जो कटोरी से दिए है ना, तो आधा कटोरी उड़द का दाल इसी में मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा डाल देने से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ढुसका, कड़क नहीं बनता है। और देखिए, अरवा चावल है, इसमें उड़द का दाल और चने के दाल तीनों को मिक्स कर लिए हैं। अब इसको मैं पानी में एक बार धुल लूँगी, उसके बाद भिंगा के रख दूँगी 8 घंटे के लिए। जो चावल हम भिंगा के रखे थे सब मेरा फूल गया है। अब इसको हम पीस लेते हैं मिक्सी जार में। देखिए, एकदम ये चना दाल भी टूट रहा है हाथ से, पिसा गया है। अब जल्दी से हम पूरा पीस लेते हैं, फिर दिखाएंगे। और इसी में हम डाल देते हैं लहसुन और 4 मिर्चा और अदरक, ताकि टेस्ट बढ़ जाता है ढुसका में। और इसको भी हम जार में डाल लेंगे और पीस लेंगे, अच्छा बारीक कर लेंगे। और जो हम अदरक लहसुन मिर्चा मिक्स किए थे पीस के, सबको मिक्स करके अब इसको अच्छा से चला लेंगे हम। और इसमें हम स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ छोला रहेगा तो छोला में भी नमक रहेगा ना, इसीलिए ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। और खाने वाला सोडा डाल रहे हैं, और ये है मीठा सोडा खाने वाला। पाँच मिनट जैसा रख देंगे ढक के, 5-10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और इतना ही पतला रहना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा पतला रहेगा तो फिर फैल जाएगा पड़ोसका और कड़क हो जाता है। 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। और मेरा तेल गरम हो गया है, तो हम पहला ढुसका डाल रहे हैं। और जब पूरा ढुसका फिर हम बना लेंगे तो फिर आप लोग को दिखाएंगे। मेरा ढुसका देखिए कितना सुंदर फूल फूल गया है। अब इसको मैं जल्दी से पलट देती हूँ। और हम काबली चना को रात को भीगने के लिए छोड़ दिए थे, और आलू डाल रहे हैं। और दोनों को मिक्स करके इसको बॉईल कर लेंगे 2-3 सीटी आने तक। इसमें मैं डालूंगी फोरन। फोरन में दालचीनी है, लाल मिर्च है, हरा इलायची है, तेज पत्ता। अब इसको मैं डाल देती हूँ तेल में। तो प्याज को भी अच्छा से भून लेंगे हम। और मेरा प्याज भुंजा रहा है, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च है। और
और अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा भुंजा गया है। अब इसी में हम डाल देंगे मसाला, मसाला डाल के मिक्स कर लेते हैं। टमाटर डाल दे रहे हैं, चना बॉईल कर रहे थे तो हम डाल दिए थे उसमें नमक, इसीलिए हल्का ही नमक देंगे, अंत से ज्यादा हो जाएगा नमक। टमाटर सॉफ्ट होते तक भूंज लेंगे, उसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, मिनट के लिए ढक दे रहे हैं। अब ढक्कन लगा के हम देख लेते हैं मसाला को, और मसाला मेरा देखिए हल्का तेल छोड़ने लगा है, सॉफ्ट भी हो गया है और मसाला तेल भी छोड़ दिया है। अब इसी में मैं डाल दूंगी चना को जो मैं बॉईल कर ली, और मेरा देखिए चना जो बॉईल की थी मैं, कितना सुंदर पक गया है, ऐसे हाथ से दबा रहे तो दब जा रहा है। अब इसको हम, मसाला मेरा भुंजा रहा है तो हम इसी में डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। अब इसको मसाला के साथ में 2 से 3 मिनट अच्छा से चलाते हुए भूंज लेंगे। मसाला तो ऐसे मेरा भुंजा गया है। अब 2 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। जो आलू को हम बॉईल किए थे वो आलू को हम जल्दी जल्दी से छील लेते हैं छोला में डालने के लिए, और हम एक बार उघार के चला लेते हैं चना को। और जो आलू हम बॉईल कर लिए थे वो आलू को मैं डालती हूँ, और इसको भी मिक्स करके चला लेंगे। चला लेते हैं, और मेरा मसाला भुजा गया है तब हम डाल देते हैं पानी, और ज्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि चना आलू सब। और मेरा छोला बन के तैयार हो गया है, और देखिए मेरा ढुसका बन के रेडी हो गया है। अब देखिए तोड़ के दिखा रही हूँ मैं, और कितना अच्छा इसका जालीदार बना हुआ है पूरा देखिए, मगर एक भी तेल नहीं है इसमें, और ऐसे ही खिला खिला बनता है ढुसका। हम लोग का झारखंड का डिश है ढुसका। अब मैं चना का सब्जी बनाई हूँ छोला, अब उसी के साथ में बच्चे लोग, और अभी हम प्लेट में निकालने जा रहे हैं। और मेरा ढुसका रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा। ये ढुसका और छोला बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत यम्मी है। मेरा ढुसका बनाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।